हाय दोस्तों, मैं हूँ विजय वर्मा और मैकेंड क्रिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये मेरे फोटोशॉप सीरीज़ का चौथा वीडियो है। दोस्तों, अगर आपने मेरा वो दूसरा और पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उन्हें देख लीजिए ताकि आपको ये शुरू से समझ में आए। चलिए दोस्तों, हम फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। देखिए, दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं दोस्तों हर वीडियो में तीन तीन टूल्स के बारे में बता रहा हूं, और आज मैं हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में बताऊंगा, फिर से इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल के बारे में, और साथ ही साथ ये ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट टूल के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहला टूल है हिस्ट्री ब्रश टूल। तो उसके लिए हम कोई फ़ोटो ओपन करते हैं जिसमें हम इसे देखें कि इसका क्या यूज़ है। तो चलिए, डबल क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ ये वाला और बड़ा कर देता हूँ। दोस्तों, ये आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का ये यूज़ है कि मान लीजिए आपने कुछ किया और आपसे कुछ गलत हो गया, जैसे कि यहाँ पर ब्रश टूल है, आपने इसमें कुछ ऐसे कर दिया, और पैश टूल से आपने कुछ ये है इधर ला दिया। तो दोस्तों, सेलेक्ट किया है इसलिए वहीं का हो रहा है। हम क्लिक करके अब देखते हैं। दोस्तों देखिए, देखिए दोस्तों, सब हटते जा रहा है। आप इसे बड़ा करके भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इतना, देखिए जल्दी जल्दी हट रहा है बड़ा करने पे। और ओपेसिटी से भी, ओपेसिटी कम करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा हटेगा। जैसे ये देखिए, मान लीजिए मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, ओपेसिटी और फ्लो मैंने 50 कर दिया, 50 आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। और देखिए दोस्तों, थोड़ा धीरे धीरे हट रहा है, देखिए। हंड्रेड दोस्तों, ब्रश टूल है, ब्रश टूल मैंने 100 किया, और देखिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, और देखिए आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का ओपेसिटी मैंने घटा दिया है, 50 कर दिया है। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे हो रहा है। और अगर आप वही चीज़ 100% कर देते हैं, देखिए दोस्तों एक ही बार में हट जा रहा है। तो दोस्तों, कहीं कहीं आपको 100% का ज़रूरत होता है और कहीं कहीं 50% का। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। देखिए दोस्तों, क्लिक कर दिया। और दोस्तों ये किस यूज़ आता है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा किसी किसी फोटो में कोई कोई पार्ट धुंधला धुंधला जैसा, देखिए ऐसे दिखता है, कुछ कुछ ऐसे दिखता है। अगर कोई आप पार्ट आप नहीं दिखाना चाहते हैं आप, तो आप ऐसे कर सकते हैं। कंट्रोल अल्ट जेड कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट जेड, मान लीजिए हमें इतना दूर नहीं दिखाना है, इतना दूर, तो वैसे तो आप करेंगे तो ज़्यादा कम हो सकता है, तो इसलिए हम इतना दूर को सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए। और अब अगर हम आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को देखिए करते हैं, तो बाहर भी करेंगे तो बाहर नहीं होगा, अंदर करेंगे तभी होगा, देखिए।
तो दोस्तों इसका यही यूज है। अब है इरेजर टूल। दोस्तों इरेजर टूल आप तो सिंपली इरेजर का यूज़ करते ही होंगे, ये भी कुछ वैसा ही होता है, ये मिटाने के काम आता है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये पूरा जैसे देखिए ये पीएनजी के जैसा हो गया। तो दोस्तों मैंने इसे पहले से पीएनजी में सेव किया था इसलिए बैकग्राउंड हटते जा रहा है पूरा। अगर आप जेपीजी में सेव करेंगे तो ये पूरा नहीं होगा, ये वाइट होगा। और दोस्तों इसका मतलब है कि जब आप फ़ोटो को सेव करेंगे तो सिर्फ फ़ोटो आएगा, ये सब नहीं आएगा। देखिए दोस्तों इरेज करने के काम में आता है। देखिए मान लीजिए आपसे ये सब गलती इरेज हो गया, तो आप आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल ले लीजिए। देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल ये बहुत अच्छा टूल है। दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ आपको उसे घर पे प्रैक्टिस करना होगा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी आदत होगी और आप इसे अच्छा से यूज़ करना सीख जाएंगे, फ़ोटो को एडिट करना सीख जाएंगे। और चलिए अब अगला टूल देखते हैं, बैकग्राउंड इरेजर टूल। दोस्तों वैसे तो ये पूरा ऐसे हटा देगा लेकिन तब यूज आता है जब मान लीजिए एक और कोई बैकग्राउंड के लिए एक फ़ोटो ले लेते हैं। मान लीजिए मैं यही ले लेता हूँ, इधर ला दिया। और अगर आप मैंने बताया था पहले ही वीडियो में कि मूव टूल से मूव करके इधर ला सकते हैं, आप उसे देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर ला दिया। देखिए दोस्तों मैं इसे बड़ा कर देता हूँ और कंट्रोल टी से इसे छोटा कर देता हूँ। देखिए दोस्तों इंटर। बैकग्राउंड इरेजर टूल तो देखिएगा दोस्तों जो पीछे वाला जो इमेज है वो नहीं मिटेगा, बस यही इमेज मिटेगा। देखिए आप अपने फोटो को अलग कर सकते हैं और आप देख सकते हैं आप अपने सिर्फ फोटो को ऐसे रहने दे सकते हैं और उसका जो बैकग्राउंड है उसे हटा सकते हैं। तो दोस्तों ये दोस्तों इसीलिए यूज़ किया जाता है, ये भी अच्छा टूल है। वैसे तो आप अपने फ़ोटो को अलग करते होंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगता होगा लेकिन इससे उतना समय नहीं लगेगा, फिर भी इससे कुछ समय लग सकता है क्योंकि दोस्तों जो मेन पार्ट था वो तो इसने हटा दिया। अब ये जो थोड़ा बहुत दिख रहा है उसे आपको मैंने एक और टूल बताया है उससे हटाना होगा। उस टूल का नाम है लेजो टूल। जैसे आपने ऐसे सेलेक्ट कर लिया इतना जितना आपको सेलेक्ट करना है, मान लीजिए कि मैंने इतना सेलेक्ट किया मुझे ये हटाना है, तो आप डिलीट बटन प्रेस कीजिए ऐसे, या फिर आप बैकग्राउंड इरेजर या फिर इरेजर से इसे ऐसे मिटा दीजिए, हो गया। दोस्तों उसी तरह आप इसे भी मिटा सकते हैं। दोस्तों बस इसका यह यूज है, कंट्रोल प्लस से जूम इन और माइनस से जूम आउट कर सकते हैं। देखिए मैं फिलहाल इसे पहले जैसा कर देता हूँ आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल से। और देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक जानते होंगे जादू। दोस्तों मान लीजिए कलर के हिसाब से जैसा कि मैजिक टूल होता है ये तो सेलेक्ट करता है लेकिन ये डायरेक्टली इरेज करता है। देखिए मैजिक टूल से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इतना सेलेक्ट हुआ, और वही अगर मैजिक इरेजर टूल से करेंगे, देखिए दिखाता हूँ,
मैजिक रेजर टूल, देखिए उतना मिट जाएगा, मिट गया। यहाँ पर कुछ कुछ पार्ट है जो कि दिख नहीं रहा है, कंट्रोल ऑल्ट जेड से हटा दीजिए। तो आप इससे भी अपने फ़ोटो को अलग कर सकते हैं, और इससे भी पूरा नहीं हटेगा, थोड़ा कुछ कुछ तो बच ही जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट जेड से मैं पहले जैसा वापस दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हिस्ट्री ब्रश टूल, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल और इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल, मैजिक इरेजर टूल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो अगला टूल आता है वो है ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट टूल। तो ग्रेडियंट टूल क्या है कि दोस्तों, इफ़ेक्ट्स डालने के काम आता है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे मूड्स हैं, देखिए नॉर्मल, डिसॉल्व, बिहाइंड, नॉर्मल ही रहने दूंगा, और यहाँ पर इसके प्रकार भी हैं, आप कैसा लेना चाहते हैं। तो पहले हम सिंपल रहने देते हैं, यहाँ से डिज़ाइन भी ले सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हुआ है, आपको ऐसा करना है कि फ़ोटो भी दिखे और ये भी, तो आप ऐसे ओपेसिटी को आप घटा दीजिए, मान लीजिए 10% कर दिया। अब करेंगे तो देखिए चलिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं ग्रेडियंट टूल को और थोड़ा इसे बढ़ा देते हैं, जैसे कि 50%। और अब अगर हम करते हैं, मैं इसे सादे पेज पर समझाता हूँ। और यहाँ पर डिजाइन्स हैं, आप जैसा लेना चाहते हैं आप वैसा ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो कलर है उसे आप बैकग्राउंड कहते हैं, और ये जो है उसे फोरग्राउंड कहते हैं। मान लीजिए आपने फोरग्राउंड में सर ग्रीन ले लिया है और बैकग्राउंड में आपने ब्लू ले लिया है। दोस्तों ये जो है वो जैसा बैकग्राउंड, जैसा फोरग्राउंड है वो ऊपर रहेगा, बैकग्राउंड जो है नीचे रहेगा। जैसे कि पर देखते हैं एक बार, देखिए जितना दूर हमने सेलेक्ट किया वैसा हुआ। अगर आप यहाँ से यहाँ लेते हैं, देखिए ये जो ग्रीन लिया था वो है, और ये जो ब्लू था वो है, और यहाँ पर बीच का थोड़ा मिक्सअप कलर है। और इसके ये भी देख लीजिए, हमने ये सेलेक्ट किया था, इससे आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे कर सकते हैं। लेकिन इस गोल वाले टूल से आप सिर्फ गोलाई में ही कर सकते हैं, जैसे बीच में गोला करना है ऐसे, जितना बड़ा गोला करना है उतना लंबा लाइन खींचिए। दोस्तों देखिए ब्लू जो कि हमारा बैकग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड ये ग्रीन, और ये दोनों के बीच का थोड़ा पर्पल जैसा आ गया है, कंट्रोल जेड्स। और ये वाला दोस्तों जो है, देखिए मान लीजिए मैं इतना करूँगा, इतना, तो देखिए क्या होगा, इधर ग्रीन है, और अगर इतना करूँगा दोस्तों, आप इसे अपने मन से जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। और ये टूल ये सीधाई में होगा, देखिए आप ऐसे करेंगे तो भी ये हो जाएगा, लेकिन एकदम सीधा होगा, देखिए कंट्रोल जेड। अगला जो है वो स्टार जैसा होगा, कुछ बीच में बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे कर दीजिए, देखिए दोस्तों जेड, देखिए आप इसमें भी अपना ओपेसिटी चूज कर सकते हैं,
ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ये ले लेता हूँ और करके दिखाता हूँ। यहाँ तक ये आप देख सकते हैं दोस्तों कैसा डिज़ाइन हुआ है, ऐसे ऐसे, क्योंकि हमने इसे सेलेक्ट किया था। और अगर हम वही चीज़ ये लेते हैं, ऐसे करते हैं, ये देखिए बड़ा किया था इसलिए बड़ा हुआ है, अगर हम छोटा करते हैं तो छोटा होगा। देखिएगा, देखिए दोस्तों इस तरह आप इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। अब देखते हैं अगला टूल। अगला जो टूल है वो है पेंट बकेट टूल। आप एमएस पेंट का यूज़ करते होंगे, उसमें भी एक बकेट होता है, ये कुछ वैसा ही है। मान लीजिए हमने ये किया, अगर आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है तो आप जहाँ चाहते हैं आप वहाँ डाल सकते हैं। पूरा भर गया क्योंकि पूरा खाली था पेज। और अगर हम इतना सेलेक्ट करते हैं या फिर हम इतना सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, सिर्फ इतने में ही होगा। देखिए अंदर किया तो यही हुआ, बाहर वर्क नहीं करेगा। किसी भी फोटो में आप अपना डिज़ाइन जैसा आप चाहते हैं वैसा, आप जैसे कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है, देखिए देखिए मैं इसे काट देता हूँ। नो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं इस टूल के बारे में बताऊंगा, ब्लर टूल, शार्पन टूल, स्मर्च टूल और ये टूल, डॉट बर्न टूल, स्पंज टूल, साथ ही साथ पाथ सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। मैं दोस्तों क्लोज कर देता हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।